राठौर डिजन हलचल में आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 12th हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम माँ शारदा कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ब्राह्मणों का वास धान मंडी रतलाम। आवश्यकता है योग्य अनुभवी प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की, संपर्क करें 07412405348। सावन के चतुर्थ सोमवार के उपलक्ष महादेव के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हर हर बम बम के जय घोष से गुंजे देवालय, भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक कर परिवार के लिए की मंगल कामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ आमजन में देशभक्ति की भावना जागृत करने, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का संदेश देने के लिए निगम परिसर से निकली भव्य तिरंगा वाहन रैली। वाहन रैली का नेतृत्व निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने किया। सावन के चौथे सोमवार के उपलक्ष में रतलाम से केदारेश्वर तक निकली भव्य पैदल कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी के साथ महादेव के भक्त हुए शामिल। अंबर परिवार ने किया रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत। सावन के चतुर्थ सोमवार देवालय में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। शहर के प्राचीन एवं आस्था स्थल श्री गढ़ कैलाश महादेव मंदिर पर भक्तों का सैलाब देखने को मिला। हर हर बम बम जय घोष के साथ भक्त महादेव के दर्शन करने के साथ जलाभिषेक कर रहे थे। वहीं शहर के प्राचीन भगवान गढ़ कैलाश की प्रतिमाओं की भी आकर्षक अंग रचना की गयी थी। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक करने के साथ ही मनोरथ पूर्ण होने की कामना लेकर आरती करते हुए प्रार्थना की। शहर के प्राचीन मंदिरों में शुमार होने वाला श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी भक्तों का हुजूम देखा गया। यहां पर भी धर्मानुजन कतार लगाकर भगवान का जलाभिषेक करने का इंतजार करते रहे। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के साथ ही मनोरथ पूर्ण होने की कामना महादेव से की गई। प्रदेश शासन की निर्देश पर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा फहराने के लिए संगठन से लेकर जनप्रतिनिधि तक आमजन देशभक्ति का जज्बा एवं देशभक्ति का अलख जगाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वहीं नगर निगम भी अपने कर्मचारियों के साथ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में घर घर तिरंगा फहराने के संदेश देने में लगा हुआ है। निगम परिसर से आज भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। तिरंगा वाहन रैली का शुभारंभ निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट किया गया। निगम के आधिकारिक कर्मचारी अपने वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाकर वाहन रैली के रूप में नगर निगम से निकले। नगर निगम से निकली अधिकारी कर्मचारियों की तिरंगा वाहन रैली का नेतृत्व निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने किया। इस अवसर पर नगर शिल्पज्ञ जी के जायसवाल, राजेंद्र सिंह गहलोत, मनीष तिवारी, एपी सिंह आदि निगम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। हर हर बम बम के जय घोष से सावन माह के चतुर्थ सोमवार पर दिवाली में शिव भक्तों का जहां तांता लगा रहा, वहीं महादेव को प्रसन्न करने के लिए एवं महादेव की आराधना करते हुए शहर में कांवड़ यात्रा का भी आयोजन हुआ। श्री सांवरिया मित्र मंडल द्वारा प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री कालिका माता मंदिर प्रांगण से केदारेश्वर तक की पैदल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। कांवड़ यात्रा में महादेव के भजनों पर भक्त थिरकते हुए चल रहे थे। पैदल यात्रा में शहर के गणमान्य एवं प्रबुद्ध जन भी शामिल हुए। हर हर बम बम के जय घोष के साथ शुरू हुई पैदल कांवड़ यात्रा में भाजपा वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, दिनेश पोरवाल, महेंद्र कटारिया, बसंत पंड्या, जनक नागल के साथ बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। यात्रा का सैलाना बस स्टैंड पर अंबर परिवार की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया।
क्यों होता है? क्या हम इसे रोक सकते हैं? भारत में महिलाओं में होने वाला सर्वाधिक कैंसर कौन सा है? कैंसर होने का शक हो तो किन से जांच करवाना चाहिए? स्तन में कैंसर के बारे में जल्द से जल्द पता करने के लिए क्या कोई उपाय है? स्तन में कैंसर के क्या लक्षण हैं और किसको कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है? मेमोग्राफी की मशीन द्वारा क्या स्तन के कैंसर का स्टेज एक में ही पता चलता है? ऐसे ही सवालों के जवाब एवं स्तन संबंधी ऐसी किसी भी समस्या के लिए मिले स्तन रोग विशेषज्ञ सर्जन से डॉक्टर स्मिता शर्मा, स्तन रोग क्लिनिक, श्रद्धा हॉस्पिटल, काटजू नगर, रतलाम। संपर्क करें 8962647737, 920104182। शिक्षित शिक्षिकाओं की संपर्क करें 07412405348। एडवांस डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, जहां पर उपलब्ध सुविधाएं सड़े हुए दांतों ताड़ों को बिना दर्द के निकालना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट इंपोर्ट कर नए दांत लगाना, बिना दर्द के दांतों की सफाई, पायरिया संबंधी इलाज, दांतों में पक्का मसाला भरना, इम्प्लांट कर फिक्स पत्ती सी लगाना, सभी प्रकार के फिक्स्ड दांत व फोल्डिंग दांत बनाए जाते हैं। चांदी और सोने जैसे दिखने वाले दांतों को सही कर पुनः निर्मित करना, जबड़े के अंदर के दांतों का इलाज, तंबाकू की वजह से मुंह ना खुलने वाली बीमारी का इलाज, दांतों को सफेद करना, अक्कल दाढ़ का बिना निकाले इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज ब्रेसेस द्वारा किया जाता है। दांतों से संबंधित सभी प्रकार के फोटो व एक्सरे किए जाते हैं। दांतों की समस्याओं से निजात पाने के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर पूनम मिश्रा। क्लिनिक संचालन आशुतोष चौहान। पता एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, शास्त्री नगर, साकेत अपार्टमेंट, सब्जी मंडी के पीछे वाले गेट के सामने, रतलाम। फोन 400877। नगर के प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल किए जाने हेतु हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों में तिरंगा पैदल यात्रा निकाली गई। वार्डों में निकाली गई तिरंगा पैदल यात्रा में नगर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों सहित नागरिकों ने हाथों तिरंगा लिए हुए देशभक्ति नारे लगाकर नागरिकों में देशभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल किया। महापौर प्रहलाद पटेल, निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा शर्मा, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, महापौर परिषद सदस्य श्रीमती अनिता कटारा, दिलीप गांधी, धर्मेंद्र व्यास, अक्षय संघवी, मनोहर लाल राजू सोनी, रामू भाई डाबी, श्रीमती सपना त्रिपाठी व पार्षदगणों ने नागरिकों से अपील की है कि वे हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घर व दुकानों में तिरंगा अवश्य लगाएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर गूगल पर जाकर हर घर तिरंगा सर्च करके सेल्फी को अपलोड करें और सर्टिफिकेट डाउनलोड करें। झंडा क्रय करने में नागरिकों को अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वे अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलो ग्राउंड, अमृत सागर उद्यान, हरमाला पंप हाउस, नगर निगम कार्यालय, संपत्ति कर काउंटर, पांजरा पोल NULM कार्यालय, मानक चौक वाचनालय, मानस भवन व कस्तूरबा नगर पानी की टंकी झोन कार्यालय से 25 रुपए प्रति झंडे के मान से क्रय कर सकते हैं। आयोजित रैली में स्वास्थ्य अधिकारी AP सिंह, झोन प्रभारी रविंद्र ठक्कर, किरण चौहान,
पर्वत हाड़े, विनय सिंह चौहान, आशीष चौहान, तरुण राठौड़, आईईसी टीम सहित नागरिक सम्मिलित रहे। श्री जी महाराज साहब, श्री भावित गुणा श्री जी महाराज साहब उपासना में विराजे हैं, जिनका चातुर्मास में नित्य प्रवचन चल रहे हैं। इसी तारतम्य में साध्वी श्री अनंत गुणा श्री जी महाराज साहब ने व्याख्यान में कहा कि महावीर स्वामी के पास एक साधक आया और उसने प्रश्न किया कि मुझे जीवन में सब कुछ मिलना चाहिए, किस तरीके से मिल सकता है। तो महावीर स्वामी ने कहा कि जीवन में सब कुछ पाना है तो संयम और धैर्य जरूर है। संयम और धैर्य नहीं आने से क्रोध आएगा। जब तक संयम और धैर्य नहीं आएगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन में चार चीज आवश्यक है, पहला मनुष्य जीवन, दूसरा जिनवाणी, तीसरी श्रद्धा और चौथा आचरण। साधु संतों की सेवा करो तो तुम आपके जीवन में लाभ मिलेगा। होटल में गए, वो थोड़ी मूर्ख है कि वो पैसा उड़ाएगा। उसने तो कमाने के लिए होटल चालू करिए, तो वो सब सत्य आप गए और दूसरे आए तो दे दिया। इसीलिए इस युग के अंदर बीमारियों कितनी बढ़ रही है। हर घर के अंदर दवाई। अभी मैंने कई लोगों को बोला कि सिद्धि तप कर लो, मासक चमन कर लो। अरे बाप जी क्या करे, रोज की गोलियां चलती हमारे तो। बीपी की गोली है, डायबिटीज की गोली हमेशा मुझे को चलती है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ बीमार। सावन के चतुर्थ सोमवार के उपलक्ष्य महादेव के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। हर हर बम बम के जय घोष से गुंजे देवालय। भक्तों ने महादेव का जलाभिषेक कर परिवार के लिए की मंगल कामना। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष के साथ आमजन में देशभक्ति की भावना जागृत करने, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा का संदेश देने के लिए निगम परिसर से निकली भव्य तिरंगा वाहन रैली। वाहन रैली का नेतृत्व निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट ने किया। सावन के चौथे सोमवार के उपलक्ष्य में रतलाम से केदारेश्वर तक निकली भव्य पैदल कावड़ यात्रा। कावड़ यात्रा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हिम्मत कोठारी के साथ महादेव के भक्त हुए शामिल। अंबर परिवार ने किया रैली का पुष्प वर्षा कर स्वागत।